विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपने नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा दिखाए जाने पर तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने कड़ी आपत्ति जताई है। डॉक्टर सेन ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका पुरजोर विरोध करने की मांग की है। उन्होंने इस पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए लिखा है कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब कोविड की वैश्विक स्थिति जानने के लिए मैं WHO की वेबसाइट पर गया तो मुझे एक नक्शा दिखा। डॉक्टर सेन ने आगे लिखा है कि जब मैंने उसे जूम करके देखा तो मैं चौंक गया। जम्मू कश्मीर को दो अलग रंगों में दिखाया गया है। जब मैंने भारत के नीले रंग वाले हिस्से के बाद दूसरे हिस्से पर क्लिक किया तो उसमें पाकिस्तान की कोरोना स्थिति नजर आने लगी, जबकि अन्य हिस्से में चीन का आंकड़ा नजर आने लगा। उन्होंने आगे लिखा कि उस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को भी भारत से अलग दिखाया गया है। डॉक्टर सेन ने आगे लिखा है कि मेरा मानना है कि ये एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मामला है और हमारी सरकार को इसकी जांच कर समय से पहले इस पर एक्शन लेना चाहिए। TMC सांसद ने अपनी चिट्ठी में कहा कि इसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए और देश के लोगों को पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती कैसे की जा सकती है। हमारी सरकार को अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की तरह इसे भी जोर शोर से उठाना चाहिए। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।